नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। हम करें क्लास 10th मैथ एन सी आर टी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मार्क्स जो मैथ और इंग्लिश में उनका सम है 30 है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क वुड हैव बीन 210। तो प्रोडक्ट 210 होता। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। ओके, लेट शेफाली'ज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। मैथमेटिक्स में एक्स है तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे? भाई दोनों में मिला करके 30 हैं, तो इंग्लिश के अंदर होंगे 30 माइनस एक्स। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और होते, अभी कितने हैं? एक्स हैं। अगर 2 मार्क्स और होते तो ये बन जाते। वो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, 3 मार्क्स कम होते तो क्या होता? ये था 30 माइनस एक्स, तो इसमें 3 हो जाते, ये मार्क्स हो जाते हा? तो बोलते कि इनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों की मल्टीप्लाई वो 210 होता, 210। यानी यह है एक्स प्लस 2 इंटू ये 30 में से 3 गए 27, यानी माइनस एक्स प्लस 27, इनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 210। इनको मल्टीप्लाई कर लो एक्स के माइनस एक्स से, यानी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के 27 से प्लस 27x। अभी 2 की माइनस एक्स से माइनस 2x एंड 2 की 27 से यानी प्लस 54। और इसको भी इधर ही लेके आ जाता हूँ मैं, माइनस 210 इजकल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये 27 में से 2 गए 25 प्लस 25x, ये 210 में से 54 यानी माइनस के बचेंगे। 210 में से पहले 4 निकाल दिए तो हमने बच गए 206, और 50 और निकाल दिया यानी 156 इजकल टू 0। ये माइनस में तो इस सभी के साइन चेंज कर दो, यानी माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इजकल टू 0। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए क्या है इसमें? ए इज 1, बी माइनस 25, माइनस 25 एंड सी 156, 156। तो अभी देख, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी 625, 4 ए सी, ए तो 1 है यानी 4 वन जा 4, 4 इंटू 156, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, करी 2, 4 वन जा 4, 4 प्लस 2 6, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इजकल टू 1 है।
वन है यानी ग्रेटर देन जीरो है, तो दो रूट निकल करके आएंगे. एंड रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट वन, यानी वो भी वन ही होगा. रख दीजिए अपना फॉर्मूला में, है ना. माइनस बी यानी माइनस माइनस ट्वेंटी फाइव, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स इजिकल टू ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय टू ए, ए के साथ वन यानी टू, यानी एक्स इजिकल टू ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाई टू, और एक बार एक्स इजिकल टू ट्वेंटी फाइव माइनस वन बाई टू. सो एक्स इजिकल टू ये हो जाएंगे ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स बाई टू यानी थर्टीन, और यहाँ हो जाएगा एक्स इजिकल टू ट्वेंटी फाइव में से बन गया ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का हाफ 12. तो आपके x की दो वैल्यू आ रही है, 13 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, यानी मैथ के अंदर मार्क्स उसके 13 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं. अगर मैथ में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13 यानी 17, यानी मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इजिकल टू 13 एंड मार्क्स इन इंग्लिश इजिकल टू 30 माइनस 13 इजिकल टू 17. तो ये हो सकते हैं आपके. और दूसरा, अगर x इजिकल टू 12 है देन मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 30 माइनस 12 18 होंगे. दूसरा है और अदरवाइज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इजिकल टू 12 तो मार्क्स इन इंग्लिश इजिकल टू 30 माइनस 12 यानी 18. या तो इसके 13 व 17 हैं या फिर उसके 12 व 18. अगर मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17, और मैथ में 12 हैं तो इंग्लिश में 18. होप आपको समझ में आ रहे होंगे. अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और मेरे सभी सब्जेक्ट के अंदर वीडियो आ रहे हैं. थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे.